दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम के 20 सदस्य खिलाड़ियों का ऐलान हो चुका है, जिसमें आईपीएल के दौरान अपनी छाप छोड़ चुके चेतन सकारिया को भी चयन किया गया है। भारतीय टीम में सिलेक्शन होने के बाद ही चेतन सकारिया का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें वो बुरी तरह से भावुक हो गए और उन्होंने अपने बयान में बताया कितना मुश्किल था उनके लिए भारतीय टीम का सफर। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि चेतन सकारिया को टीम में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ होने वाले वनडे और टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 20 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। स्टार ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन को इस दौरे के लिए टीम का कप्तान बनाया गया है। उस टीम में चेतन सकारिया को भी शामिल किया गया है। सकारिया को आईपीएल 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के चलते मौका दिया गया है। अगर अब सकारिया की बात करें तो इस युवा खिलाड़ी के लिए पिछले कुछ महीने किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे जो इस खिलाड़ी ने इतनी कम उम्र में देख लिया। वो शायद किसी युवा खिलाड़ी ने देखना तो दूर महसूस भी नहीं किया होगा। सकारिया गुजरात के भावनगर के करीब एक छोटे से गांव से आते हैं, लेकिन आईपीएल के जरिए उन्होंने करोड़ों दिलों पर अपनी जगह बना ली है। अब हाल ही में चेतन सकारिया की शानदार गेंदबाजी के दम पर उनका सिलेक्शन श्रीलंका दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में किया गया। टीम में सेलेक्ट होते ही सकारिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने भारतीय टीम में जगह पाने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। सकारिया ने कहा कि मेरे लिए भारतीय टीम का ये सफर बेहद ही मुश्किल भरा रहा है। सकारिया ने कहा कि साल 2021 एक के बाद एक बुरी खबर लाता रहा मुझ पर और मेरे परिवार पर। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उस समय में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का सीजन खेल रहा था, तभी मुझे पता चला कि मेरे भाई ने खुदकुशी कर ली है। मैं इस सदमे से उबर ही पाता कि आईपीएल 2021 के सस्पेंड होने और एक और बड़ा झटका मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कोविड-19 संक्रमण के चलते अपने पिता को भी खो दिया, जो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। एक के बाद एक सदमे मिलते गए। इस बीच चेतन सकारिया पूरी तरह से भावुक हो गए, क्योंकि एक युवा खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता भाई और पिता का एक साथ छोड़ जाना। ऐसे में ये मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। 23 साल की छोटी सी उम्र में मैंने वो सब देख लिया जिसकी हम सब कल्पना करने से भी डरते हैं, लेकिन अब मुझे मेरी मेहनत, शिद्दत और आप लोगों के प्यार ने मुझे वहां पहुंचा दिया है जहां पहुंचना करोड़ों लोगों का सपना होता है। श्रीलंका दौरे पर मैं अपना डेब्यू करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आईपीएल में जैसा प्रदर्शन किया उसी तरीके का प्रदर्शन मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बरकरार रखूं, बीसीसीआई की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतर सकूं, क्योंकि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं आज भारतीय टीम का हिस्सा बनने जा रहा हूं और इसे मैं किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहूंगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि क्या चेतन सकारिया श्रीलंका दौरे पर अपनी फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।